Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. तो फाइनली हमारे साथ केंडा थी, एक पावरफुल मैजिशियन। वो यकीनन तुम्हारा अब तक का बेहतरीन हथियार थी ब्लेड और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए, और उन्हीं की वजह से मुझे एक ऐसी ताकत का पता चला जो सबको कंट्रोल कर रही थी, एक ताकतवर रूह। हमने उस रूह को फॉलो किया और उसके पीछे चल पड़े जहां हमें घने जंगल में खो गए। दो कबीलों से लड़ने के बाद एक कबीले ने लॉन्ग जॉन सिल्वर को अपना किंग बना लिया। लॉन्ग जॉन सिल्वर को एल्डोराडो की दौलत तो नहीं मिली, लेकिन हमें यह पता चल गया कि ब्लेड के पीछे किसका हाथ है। और केंडा ने मुझे बताया कि मेरे मेडिसिन की फील्ड में होने की वजह से उस रूह को मेरी ही जरूरत थी ताकि उसे सुकून मिले। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ब्लेड हमारे पीछे आ गया था और हमें खत्म करने के लिए बेकरार था। हमारा शिप वाटरफॉल तक आ चुका था और वहां हमने केंडा को खो दिया और शिप नीचे जा गिरा। ये क्या किया तुमने? वो मुझे जिंदा चाहिए थी, उसे मार दिया, सारा प्लान बिगाड़ दिया मेरा। मामा, 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 मामा केंडा, नहीं, वो ठीक तो होंगी ना? ट्रेसी, जिम, कहाँ है वो? मैंने देखा कि उन्हें गोली लगी और वो गिर गई थी, वो गिर गई थी। गोली लगी थी? किसने किया फायर? कहाँ? वहाँ, वो शैडो था, अपने ज़ॉम्बीज के साथ। जिंदा नहीं बचेगा वो। पानी की वजह से ये भी खराब हो गई। इस वक्त शैडो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी मॉम को ढूंढने, वो वहाँ गिरी थी। जोजो सही कह रहा है, केंडा यहीं कहीं होनी चाहिए। नजर तो नहीं आ रही। वो वहाँ होंगी, कश्ती भी वहीं गिरी थी। फ्लिंट, तुम वहाँ जाकर देखो, हो सकता है वहाँ हो। मामा केंडा, कहाँ गई आप? हाँ? नहीं जोजो, रुको, हमें ऊपर खींचने के लिए तैयार रहना। पकड़ मुझे पानी में। ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता, पहले क्यों नहीं दिखे? इन्हें शिप पर वापस आ जाना चाहिए। जीव, मगरमच्छ, तुम्हारे पीछे। जो जाओ, रुको, वापस आओ। जोजो, क्या कर रहा है ये? बेवकूफी मत करो, वापस आ जाओ। मामा, आप कहाँ हैं? तुम पीछे हटो, मुझे उन्हें ढूंढने दो। जोजो, मगरमच्छ है पीछे, हम यहाँ नहीं रुक सकते। नहीं, खींचो जल्दी, जल्दी खींचो, जोर लगाओ, जल्दी जल्दी। जोर से पकड़े रखना। Yeah.
किससे पूछ कर तुम दोनों पानी में कूदे थे? अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मगरमच्छ के सामने डाल दूंगा। शुक्रिया लॉन्ग जॉन। शुक्रिया बाद में कहना, अभी हमें शिप को समंदर की तरफ ले जाना है, इससे पहले कि शैडो की नजर हम पे पड़े और ब्लेड यहाँ आ जाए। ठीक है सिल्वर, जैसा आप कहें। रस्सियों को मजबूत बांधो, ये सिर्फ एक एंकर के बस की बात बिल्कुल नहीं। और अब जाकर वो रस्सियां खोलो, जल्दी हाथ चलाओ, जान लगाओ, और वहां जाकर उसे भी खोलो, जल्दी करो। और तुम जाके एंकर को नीचे से उठाओ। भारत, वो लोग भागने नहीं चाहिए, इस बार नहीं, हर किस नहीं। जाकर मेरा पैगाम पहुंचाओ, समझे मेरी बात? जाओ और शैडो को ढूंढो, उड़ जाओ, जाओ। अपना दिमाग लगाओ, रस्सियां खोलो, जल्दी करो। वो औरत तो मर चुकी है। क्या कहा? वही जादूगरनी जिसे तुमने कैद किया था मर गई है, वो गोली लगी थी उसे। अब जब वो मर चुकी है तो उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं। अब तुम वापस मेरे मिशन पर लग जाओ। Well, अगर तुम यही चाहते हो तो यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। ये ऑर्डर तुम बाद में भी दे सकते हो, इस वक्त हम यहाँ फंस चुके हैं। नहीं, क्या कर रहे हो? वापस जाओ इसी वक्त, ये हुक्म है मेरा। खामोश, अब ये सिर्फ मेरा हुक्म मानेंगे। अच्छा, जो तुम चाहो, बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो किसी भी तरह, ये तो आसान होगा ना। मैं कुदरत के कामों में दखल अंदाजी नहीं करता, उसूल है मेरा। नहीं, रोको इसे, तुम पागल हो गए हो क्या? मदद करना हुआ, एक दिन देख लूंगा मैं तुम्हें। जगह में जाओ अपनी, हमें इनका पीछा करना है। मामा, आपके बिना कैसे रहूंगा? लगता है इन बच्चों की देखभाल करने के लिए सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। बैंड, मैंने जिंदगी में कभी अपने कंधों पर जिम्मेदारी का इतना बोझ महसूस नहीं किया। जल्दी करो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग, रास्ता साफ करो। आखिरकार हमने उन्हें ढूंढ ही लिया। बहुत मुश्किल वक्त है कैप्टन हॉकिंस, कोई आइडिया है तुम्हारे पास कहाँ जाएंगे हम लोग? एक अच्छा कैप्टन किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। लेकिन मुझे तो लगता है मैं सब कुछ खो चुका हूँ। हाँ, वहाँ कौन है? रुको एक मिनट, ये तो मुझे ज़ॉम्बी लग रहा है लॉन्ग जॉन। क्या हो गया? वो बगैर किसी के हुक्म के कुछ नहीं करते, तुम्हें डर किस बात का है? जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। शायद मैं जो कहूँ उस पर तुम यकीन ना करो, लेकिन बस करो, डराओ नहीं। मुझे यकीन है कि तुम जो भी कहोगे वो कोई फजूल बात ही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम कह सकते हो। बेन, शिप को रोको, हम लोगों को साहिल पर जाना होगा। मैं जो जोर ट्रेसी को बुला कर लाता हूँ। साहिल पर जाना है, उस जंगल में? मगर क्यों जेम? मैंने वहाँ एक ज़ॉम्बी को गुजरते देखा, मेरे ख्याल से वो जंगल में खो गया है। हम लोग उसे पकड़कर शिप पर ले आएंगे। लेकिन क्यों? बेनकिन को कभी पसंद नहीं आता, वो कभी ऐसा नहीं करता। ऑफ कोर्स बेन कभी ना करता, और मैं भी नहीं करूँगा। तुम्हें शायद सिर्फ एक ज़ॉम्बी दिखाई दिया है वहाँ पर, उसके अलावा और भी ज़ॉम्बीज होंगे वहाँ। मेरे ख्याल से जिम का आइडिया भी बुरा नहीं है। तो तुम भी अपने आप को जिम के इस खतरनाक खेल में शामिल करना चाहते हो? अगर हम ज़ॉम्बी को पकड़ लेते हैं और जाकर सब लोगों को दिखाते हैं तो ये एक एग्जांपल होगी और सब हम पे ट्रस्ट करेंगे, और उसे देखने के बाद खुद को बचाने की कोशिश भी करेंगे। इस तरह तो हम ब्लेड और शैडो को भी पकड़वा सकते हैं। जोजो, एक बात जहन नशीन कर लो, हम ये सब बदला लेने के लिए नहीं कर रहे। तुम्हारी मॉम ने
गौर से सुनो मेरे बेटे, तुम मेरी दुनिया हो। तुम्हारे रास्ते में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, चाहे मुसीबत पहाड़ जितनी ही क्यों ना बड़ी हो, कसम खाओ कि तुम कभी बुराई का रास्ता नहीं चुनोगे, कभी भी नहीं। मुझे लगता है मॉम को अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने मुझे समझाया था। मुझे लगता है तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। जोजो, तुम मेरे भाई जैसे हो। तुम्हारी मामा मुझे अपनी माँ लगती थी। हम तुम्हारा साथ देंगे। और मुझे भी ट्रेसी जैसा ही लगता है। देखो, मुझे भी मामा कैंडा का दिल जीतना है। मैं भी तुम्हारी बहन हूँ ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ ज़ॉम्बीज को पकड़ने के लिए चलूंगी। लेन, हमें तुम्हारी जैसी बहादुर लड़की की जरूरत है जो अल्बेट्रॉस का ख्याल रख सके, और शिप के साथ साथ इन दो पायरेट्स की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमारे जैसे पायरेट्स का कोई भरोसा नहीं होता। अरे बाबा, बेन और लिन दोनों मिलकर इस शिप की रखवाली करेंगे। अच्छा आइडिया। लिन, जब तुम शिप पर होती हो तो मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं होती। वेल, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो जेंटलमैन पोजीशन संभालिए, जहाज साहिल पे लेके जाना है। आपका हुक्म सर, आंखों पे। तुम इस जंगल के बारे में बेहतर जानते हो, बैग में वो सारी चीजें रख लो जिनकी हमें जंगल में जरूरत पड़ सकती है। ठीक है? ठीक है। ये तो वही ज़ॉम्बी है जिसे मैंने वाटरफॉल से नीचे फेंक दिया था। लगता है सिल्वर उसके पीछे है। तो ये डिसाइड हो गया, हम ज़ॉम्बी को साहिल के करीब जंगलात में ढूंढेंगे, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि हमें कितना वक्त लगेगा। आप लोग यही इंतजार कीजिएगा। हमें एल्बेट्रॉस को छुपाना होगा ताकि ब्लेड की नजर हम पे न पड़े, लेकिन तुम लोग वहाँ से आने के बाद हमसे कैसे मिलोगे? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बहन, बस जरा नजर रखना। सेल्स पर मुझे उनकी रस्सियाँ टाइट लग रही है, और लिन तुम इन दोनों पर नजर रखना। मेरी बात सुनो नन्ही कैप्टन, जरा सोचो ये लोग कितना जेलस होंगे जब हम यहाँ शिप पर मजे कर रहे होंगे। हम बंद करेंगे। जाओ जाओ, खैरियत से जाओ और खूब मजे करना वहाँ जाकर। और हाँ, वहाँ जाकर ताज़ा फल खाना मत भूलना फ्लेट। उम्मीद है तुम सब खैरियत से वापस आ जाओगे। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो लोग ज़ॉम्बी के पीछे है, लेकिन उन्होंने वॉटरफॉल कैसे क्रॉस किया?